नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऑयल रिफाइनरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में। सिर्फ ऑयल नहीं, साथ ही साथ नेचुरल गैस भी है। तो कंपनी इंडिया के नंबर वन कंपनी है उस फील्ड में, मतलब जिस फील्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ड्रिलिंग्स एंड सर्विसेस देने वाला कंपनीज है। तो उसी सेक्टर से जुड़े हुए नंबर वन कंपनी है। और आज मैं इसके बारे में डिस्कस इसीलिए करूँगा क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट कंपनी दे चुके हैं, जिसके चलते हुए शेयर होल्डर के लिए एक ऑब्वियसली एक गुड न्यूज़ है। क्योंकि इस गुड न्यूज़ के पाने के लिए ही बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो गुड न्यूज़ कौन सा है मैं आपको जरूर डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। आपको डेली बेसिस बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसी दोनों चैनल्स और टेलीग्राम में मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है ONGC, मतलब ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो पिछले दिनों में 6% के आसपास तेजी देखने को मिला था। कितना? 6% के आसपास। तो इतना तेजी के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। चलो मैं वो कारण आपको डिस्कस कर लेता हूँ। क्योंकि पिछले दिनों में आप देखेंगे मार्केट में गिरावट देखने को मिला था, निफ्टी में भी गिरावट था, सेंसेक्स में भी गिरावट था। तो उसके चलते हुए इस कंपनी के ऊपर भी गिरावट होना चाहिए था, फिर भी इस कंपनी क्यों पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, सिर्फ एक ही वजह से, एक ही कारण के वजह से। वो कारण मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। उससे पहले एक पॉइंट आपको मैं बता दूँ, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना क्या सही होगा। पहले मैं एक लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं। 5 दिनों में करीबन 6.5% के आसपास, एक मंथ में 5.5% के आसपास रिटर्न दिया, 6 मंथ में कंपनी 11% का रिटर्न दिया, एक साल में कंपनी 9% का लॉसेस दिया, 5 साल में कंपनी 17% का लॉसेस दिया। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 590% का रिटर्न दिया। देखिए आप कहेंगे सर गवर्नमेंट कंपनी है तो इसलिए उतना तेजी से भागेंगे नहीं, आपके बात सही भी है, फिर भी 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। तो इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बाद भी इस स्टॉक में तेजी क्यों नहीं है? देखिए कुछ पॉइंट्स आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। उससे पहले इसका मार्केट कैप देख लीजिए, 1.96 लाख करोड़। इसका मतलब कितना बड़ा कंपनी आप देख सकते हैं, 2 लाख करोड़ के आसपास है। तो इतना ही बड़ा कंपनी है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूँ, इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ आपको मैं बता दूं कि इस कंपनी इंडिया के नंबर वन कंपनी है ऑयल डिस्ट्रीब्यूट एंड ड्रिलिंग्स के मामले में। आप देखेंगे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड साथ ही साथ ऑयल ड्रिलिंग्स एंड एलाइड सर्विसेज के ऊपर, तो इस तरीके से काम के ऊपर कंपनी नंबर वन है। तो ONGC जो है वो नंबर वन पोजिशन में है क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। अगर मैं इसके सबसे पहले इन्वेस्टर दिखा दूं तब खुद देखेंगे कि प्रोमोटर के पास पहले 60% होल्डिंग था, आज 58% होल्डिंग है। सेम टू सेम FS के पास 7.5% का होल्डिंग था, आज 8.5% की होल्डिंग है। DS के पास 17.5% का होल्डिंग था, अभी 19% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास 14% था, वो माल बेचकर अभी 3% तक आ चुके हैं। गवर्नमेंट के पास 10.5% के आसपास होल्डिंग है। तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्यों इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं? एक ही कारण के वजह से, वो कारण है कंपनी के आने वाला डिविडेंड। कंपनी लगातार लगातार डिविडेंड देते आए हुए हैं, साल भर में 3-4 बार करके कंपनी डिविडेंड देते आए हुए हैं। अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी के बारे में बात करूँ तब ध्यान से देखना कंपनी डिविडेंड कितने बार दिया। 2022 में अराउंड अराउंड आप देखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार डिविडेंड दिया, और 2021 में कितना, 1, 2, 3 बार, और 2020 में 1 बार, 2019 में 2 बार, 3 बार करके डिविडेंड दिया। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला। तो इसी के कारण अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होते रहते हैं। देखिए डिविडेंड कैलकुलेट किया जाए तो डिविडेंड किस तरीके से मिला, मैं आपको बता दूं, कंपनी आपको
अराउंड 6.90 के आसपास, रुपीज़ के आसपास, सॉरी परसेंटेज के आसपास यहाँ पे डिविडेंड यील्ड आपको दे रहा है। डिविडेंड यील्ड क्या है कि आपको हर सालों में आपने जितने निवेश करके रखा है उसके ऊपर साल भर में आपको कितना परसेंटेज डिविडेंड मिला। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया निवेश करके रखा, जो मैं बार बार आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उनमें से अगर आपको 6.90% का इस साल में डिविडेंड मिला तो अराउंड अराउंड 6,900 रुपीज़ का टोटल डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे बहुत देखने को मिला। तो इसी के कारण इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं, क्योंकि देखिए एफडी के आसपास, एफडी से भी ज़्यादा इस कंपनी डिविडेंड देते आए हुए हैं। तो गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ यही है कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है और इस बार करीबन 4 रुपीज़ करके डिविडेंड देने वाला है। तो 4 रुपीज़ करके डिविडेंड जो मिलने वाला है उनमें डेट दिया गया है 24 फरवरी, और वो भी 2023 के आसपास। मतलब आपका एक्स डेट रहेगा 24th, नहीं आपका एक्स डेट रहेगा 23rd फरवरी। तो 23rd फरवरी 2023, तो इस डेट के अंदर आपको शेयर खरीदना होगा, तभी आपको इस कंपनी का डिविडेंड मिलेगा। तो कंपनी सिर्फ डिविडेंड नहीं, बाईबैक भी ले लिया आ चुके हैं, बोनस भी लगातार दिया है, स्प्लिट भी कंपनी कर चुके हैं। तो ये सारे मतलब कारण के वजह से इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। तो इस बार भी आपको डिविडेंड मिलेगा, तो आप डिविडेंड के शौकीन हैं, मतलब डिविडेंड से आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको मैं जरूर कहूँगा कोई भी अच्छे खासा गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करके सेफेस्ट जोन में रहिए। क्योंकि देखिए इस तरीके से कंपनी आपको कुछ रिटर्न नहीं देगा, आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आपको रिटर्न के मामले में कुछ खास रिटर्न नहीं देगा। 3% का लॉसेस दे रहा है, 4% का ईयरली लॉसेस दे रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लॉसेस देखने को मिला उस लॉसेस बहुत कम भी है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, और एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड के चलते हुए, डिविडेंड के कारण आप शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी दे रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं एज ए परसेंटेज के हिसाब से, तो आप डिविडेंड के लिए मत आपका पैसा गवाइए, आप अच्छा खासा कंपनी के ऊपर निवेश करिए जहाँ पे आपको CAGR 15 से 20% तक रिटर्न दे सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट लगातार लगातार पॉजिटिव में और ग्रोथ में देखने को मिला है। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में गिरावट के माहौल कोविड के बाद एक एक रिकवरी मोमेंटम था, और रिकवरी मोमेंटम मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी चेंजिंग देखने को मिला। तो अभी देखना है ये अपर साइड तोड़ता है कि नहीं है, अगर इस अपर साइड को तोड़ेगा तो एक बहुत बड़ा रैली आप देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा कंपनी, मतलब इस कंपनी को, तभी एक हायर लेवल तक जा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक आ सकते हैं। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।